हाय राम आगे बच्चों के एग्जाम कौन सा बेस्ट मॉडल है यूपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स के बच्चों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एमएस क्लासेस की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी काफी अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन तो कराने वाला नहीं हूं। जैसा आपको दिखाई दे गया होगा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, बेस्ट मॉडल यूपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट। यानी गाइस, क्लास 12 अकाउंट्स के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए कौन सा मॉडल अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं, बहुत जल्द आपके एग्जाम होने वाले हैं और मार्केट में जो है बहुत तरह के मॉडल पेपर मिलते हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट मॉडल आपके लिए रहेगा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं कौन सा मॉडल आपको रिकमेंड करूंगा। मेरा रिव्यू अगर आपको जानना है, मेरा ओपिनियन अगर आपको जानना है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिएगा, जल्दी से फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कौन सा बेस्ट मॉडल रहेगा यूपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स के बच्चों के लिए। तो गाइस, मार्केट में जो है मेनली तीन तरह के मॉडल आते हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है। पहला आता है मास्टरमाइंड का, दूसरा विद्या का, तीसरा अवतार का। मेनली ये तीन चलते हैं। वैसे तो और भी बहुत से पब्लिकेशन के मॉडल पर आते हैं, लेकिन मेन जो है ये तीन ही है। पहला आपका है मास्टरमाइंड का, दूसरा है आपका विद्या का और तीसरा है आपका अवतार का। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों मॉडल पर की बात करेंगे, कौन सा मॉडल पर आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप मॉडल पर खरीदना चाहते हैं या खरीदने जा रहे हैं, एग्जाम तो आ गए हैं, खरीदना तो आपको पड़ेगा ही, तो आप कौन सा मॉडल पेपर खरीदें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास्टर माइंड से। मास्टर माइंड का जो मॉडल पेपर है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसकी मैं अब बात करता हूं। देखो गाइस, जो मास्टर माइंड का मॉडल पेपर है, बहुत से बच्चे इसको फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत सालों से इसको पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि इसमें थ्योरी अच्छी दे रखी है। इसके अलावा गाइस, अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अकाउंट की, बात कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट की, बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो अकाउंट्स में हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने होते हैं अपने एग्जाम में। तो गाइस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है मास्टर माइंड के मॉडल पर में आपको ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, कंप्लीट डिटेल आपको नहीं मिलेंगी, बस थोड़ा थोड़ा दे रखा है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं दे रखा है, लेकिन थ्योरी इसमें ठीक ठाक दे रखी है। तो गाइस, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का एग्जाम देना चाह रहे हैं और आप सिर्फ थ्योरी करके जाना चाहते हैं कि बस मैं थ्योरी करके जाऊं और पास हो जाऊं, तो आप मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो ये मॉडल आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं दे रखे हैं और जो दे रखे हैं वो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको नहीं दे रखे हैं। तो ये तो बात हो गई मास्टरमाइंड की। दूसरा मॉडल पर हमारे पास आता है विद्या का। नाम तो इसका काफी अच्छा है, बात करते हैं इसके अंदर की कि क्या ये उतना अंदर से भी अच्छा है जितना इसका नाम अच्छा है। वैसे नाम मास्टरमाइंड का भी अच्छा है। वैसे आपको इन नामों में से कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा नाम अच्छा लगता है, मास्टरमाइंड अच्छा लगता है, विद्या अच्छा लगता है या फिर अवतार लगता है, इन तीनों में जो सा भी नाम आपको अच्छा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। बात करते हैं विद्या की कि क्या विद्या का मॉडल पर अच्छा है। तो बात करें विद्या के मॉडल की, इसके अंदर जो है थ्योरी काफी अच्छी आपको दे रखी है और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको थ्योरी जो है दे रखी है। लेकिन फिर बात कर रहे हैं हम अकाउंट की, क्या इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, तो बिल्कुल आपको इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन आपको लिमिटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे, एक या दो या मैक्सिमम तीन या चार आपको जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे। तो गाइस, अगर आप एग्जाम देना जा रहे हैं और आप जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, थ्योरी के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप करना चाहते हैं, तो आप इस मॉडल को ना लें तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको नहीं दे रखे हैं, सिर्फ एक या दो दे रखे हैं, लेकिन इसमें थ्योरी काफी अच्छी दे रखी है। मैं फिर कहूंगा थ्योरी इसमें काफी अच्छी है मास्टरमाइंड के मुकाबले। अगर आप एग्जाम में जो है बस थ्योरी करके जाना चाहते हैं कि मैं थ्योरी कर जाऊं और पास हो जाऊंगा, तो आप ये विद्या का मॉडल ले सकते हैं। मास्टरमाइंड की बात हो गई, विद्या की बात हो गई, अब लास्ट मॉडल हमारा बचता है अवतार। कौन सा अवतार,
ये वाला अवतार नहीं, अवतार मॉडल पेपर, ये आपका अरिहंत पब्लिकेशन का आता है। क्या आपको ये मॉडल पेपर लेना चाहिए? बात करते हैं इस मॉडल पेपर की जल्दी से। तो भाई इस मॉडल पेपर में थ्योरी जो है काफी आपको अच्छी दे रखी है, ठीक ठाक है, यानी कि मास्टरमाइंड से तो ठीक ठाक ही है, अच्छी थ्योरी मिलेगी, लेकिन विद्या से कम इसमें थ्योरी है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा डीप में जो है विद्या में समझा रखा है, और इसमें भी ठीक ठाक आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ इसको अवतार के मॉडल की थ्योरी को विद्या के मॉडल के साथ, तो फर्स्ट नंबर मैं विद्या को ही दूंगा, सेकंड नंबर पे मैं जो है अवतार को रखूंगा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बात करते हैं किसकी? प्रैक्टिकल की, क्योंकि पेपर हमारा अकाउंट का है। तो भाई इसमें जो है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दे रखे हैं और ठीक ठाक आपको दे रखे हैं, यानी कि आपको हर चैप्टर में 10, 9, 8 इस तरह से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे चैप्टर वाइज। तो भाई अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड क्लास 12 की अकाउंट की जो है तैयारी कर रहे हैं, आप जो है प्रैक्टिकल भी करके आना चाहते हैं, थ्योरी भी आप करके आना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि आप अवतार का मॉडल पेपर ले लें, क्योंकि इसमें जो है थ्योरी भी अच्छी दे रखी है और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी काफी दे रखे हैं, इतने दे रखे हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस है काफी अच्छी हो जाएगी, आपका जो रिविजन है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो गाइस मैंने आपको तीनों के प्रो एंड कॉन्स बता दिए हैं, किस मॉडल के क्या फायदे हैं और किस मॉडल के क्या नुकसान है मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैं किसी भी पब्लिकेशन के मॉडल पेपर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ गाइस एक जेन्युइन बायर होने के नाते आपको अवेयर करा रहा हूं कि आपको कौन सा मॉडल पेपर लेना चाहिए आपके आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। अगर गाइस आप थ्योरी करके जाना चाहते हैं, सिर्फ आप थ्योरी करके जा रहे हैं, चाहते हैं कि मैं थ्योरी करके जाऊं और सिर्फ पास हो जाऊं, तो आप इन तीनों में से कोई सा भी मॉडल ले सकते हैं। मेरी बात करें तो मैं आपको विद्या का मॉडल पर रिकमेंड करूंगा थ्योरी के लिए। लेकिन अगर आप जो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करके जाना चाहते हैं, दोनों कर रहे हैं आप और दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको अवतार का मॉडल पेपर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें थ्योरी भी काफी अच्छी दे रखी है और इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ठीक ठाक दे रखे हैं, आपको 9-10 मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस जो है काफी अच्छी हो जाएगी। मैं फिर कहूंगा अगर थ्योरी करके जा रहे हैं तो विद्या का मॉडल पेपर ले, अगर आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करके जा रहे हैं तो आप अवतार का मॉडल पेपर ले सकते हैं। तो गाइस मैंने तीनों मॉडल पेपर के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा मॉडल पेपर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इस वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के दरवाजे दिन रात 24 घंटे आपके लिए खुले हुए हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हैं, वीडियो को जल्दी से एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो चलिए वीडियो को बस यहीं पे हम एंड करते हैं, थैंक यू सो मच क्लास।